दिखाया जो बड़ों बड़ों के बस की बात नहीं थी। 2013 में गीता की नियुक्ति शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर कंपोजिट विद्यालय जिगना में हुई थी। तब उस समय मानदेय मात्र 7,000 रुपया था, लेकिन इतना कम मानदेय होने के बावजूद भी रोज विद्यालय जाना, समय निकालकर अपने गेम की प्रैक्टिस करना इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। गीता ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के खेल को संवारने में जुट गई। गीता पहले से ही हॉकी ताइक्वांडो की चैंपियन रही है, हॉकी में नेशनल लेवल तक वो अपना परचम लहरा चुकी थी, लेकिन आर्थिक तंगी हालात बिगाड़ देती है और वो खेल से थोड़ा दूर हो गई। गीता ने बताया कि 2 वर्ष पहले उन्हें पता चला कि एथलेटिक्स की मास्टर्स प्रतियोगिता भी होती है। इसके बाद उन्होंने इसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एथलेटिक्स की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। पति दिवाकर कुमार सहित परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला, धीरे धीरे बढ़ने लगी। गीता ने बताया कि पहले 2021 में लखनऊ में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें जीत दर्ज करने के बाद नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। फरवरी में बनारस में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। 200 मीटर की लंबी कूद में गीता ने गोल्ड, तो 100 मीटर की दो प्रतियोगिताओं में सिल्वर का पदक प्राप्त किया। गीता ने बताया कि इसमें देश के 18 राज्य की टीम ने प्रतिभाग किया था। जीत दर्ज कर इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स के लिए चयन हुआ। अब 3 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी और